देखिए साहब, भरोसी से गरम गरम खाना आ चुका है, टेंटी का अचार में डाल चुका हूँ, झुकी हुई मिर्च यहाँ पे पड़ चुकी है, अब खाने का बड़ा मजा आने वाला है, राइट? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इतने सारे हमने इंटरेस्टिंग नाम लिए, तो आप प्लीज हमारे होस्ट जिनके बहुत इंटरेस्टिंग नाम है उनके भी नाम बता दीजिए। जी हाँ, यहाँ पे शायद सबसे आसान नाम जो है वो इन्हीं के हैं, ये है अनुजी और ये है राम। और नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस गाइस। और हम बैठे हैं इनकी खूबसूरत मेला कोठी में, तो यह चंबल सफारी लॉज मेला कोठी जरार में, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऐसा जबरदस्त खाना और ऐसे दो मेजबान जो ऐसा खाना बाहर डाले। लेकिन जिससे पहले ये बात आगे बढ़े, सबसे पहले मुझे बताइए कि टैटी क्या होता है? मुझे टैटी सुन के बड़ा मजा आया है, बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा लगा मेरे को। हाँ जी बोलिए। बेसिकली एक वाइल्ड बेरी है, ये बीहड़ में उगती है, पंजाब में इसको डेला कहते हैं। अच्छा। और डेला डेला, मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या निकलने वाला है इसके अंदर से, ढूंढा टेंटी और मिला डेला। अच्छा, ये क्या बीहड़ में मिलती है? मतलब बीहड़ में रोज वाइल्ड, ओ मतलब ये भी बागी फैमिली की है। सेम बागी फैमिली की ही है, फिट्स इन ब्यूटीफुली विद अस, इसीलिए। सो इसको समर में भी हार्वेस्टेड, फिर इसको भिगो के रखना पड़ता है, फिर इसको सो दैट इसका बिटरनेस चला जाए, प्रीटी मच लाइक असल। तो हम ये बागियों की इतनी बात क्यों कर रहे हैं आज? तो आज जो क्यूजीन है, काफ़ी हद तक अपने जो यहाँ बागियों की जो क्यूजीन होती थी उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करके एक स्पेशल मेन्यू सेटअप किया है। वाह। एंड खासतौर से खट चिकन, बट देन देयर आर सम फ्यूजन एलिमेंट्स आल्सो। तो उसके साथ जो सॉस है, दैट इज एन ऑरेंज सॉस, एंड हांडी मटन है विच इज कम्प्लीटली कुक्ड अंडरग्राउंड। तो अगर बागियों ने कभी किसी अंग्रेज शेफ को किडनैप कर लिया होता तो खट चिकन के साथ उसे ऑरेंज सॉस वो बना के खिलाता उनको। मतलब मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, बागी फूड बागी खाने की बात करें, मैं सब कुछ पकड़ के बैठ रहा हूँ, तो मतलब निकलना नहीं चाहिए। नहीं भागेगी, तू अपनी खाने की बातें कर। अच्छा, हाउ्स द टेस्ट? दैट्स व्हाट दे सेड अबाउट द थर्ड वाइफ। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। ये क्या नाम बोला था आपने? ये इसको बोलते हैं रस्सा, बेसिकली बिल्कुल छाछ में जो है मट्ठा बोलते हैं, राइट? आपने बोला था मट्ठा बोलते हैं, बिल्कुल स्लो कुकिंग उसकी होती है, बिल्कुल खटास है इसमें, जेंटल। बहुत ही अच्छा छाछ जो है वो पक्के, उसका बहुत एक इंटरेस्टिंग टेस्ट आता है, और उसमें जो टिपिकल आलू की सब्जी होती है यूपी के अंदर, उसमें जो मसाले पड़ते हैं, उसको जब पकाया गया है इसके अंदर, तो ये खटास नेचुरली इसकी नेचुरली आ जाती है, बिकॉज वो इट्स मठा, इट्स नॉट कर्ड। और जितना पुराना, ये 3-4 दिन पुराना छाछ यूज किया जाता है, सो दैट ऑलरेडी सार हो चुका होता है। ये जो रोहू है फिश, बहुत इंटरेस्टिंग, ये लोकली आपको मिलती है यहाँ पर? हाँ जी, लोकल फिश पॉन्ड्स में लोग इसको ग्रो करते हैं, और हमारा अपना फिश पॉन्ड है, हमने तो वहीं से लेके आए हैं इसको। वाह। और मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में सब कुछ बना है ज्यादातर? हाँ, ज्यादातर मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है सब, तो कुछ यहाँ पे। ये जो रीजन है आपका यूपी का, इसमें मस्टर्ड ऑयल की ज्यादा यूसेज है? ग्रो भी हम लोग काफी करते हैं, आज जब ड्राइव करते समय शायद आपने नोटिस किया हो, तो इस समय मस्टर्ड हार्वेस्टिंग के थोड़ा सा पहले स्टेज पे है। राइट। ये रीजन से पूरे मतलब ऑल ऑफ ईस्ट इज सप्लाइड फ्रॉम हियर। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। बट आई लाइक व्हाट यू सेड कि बेसिकली जो ये बागी कुजीन है, लॉट ऑफ इट इज मतलब उनका जो लाइफस्टाइल था उससे। Yes. तो मतलब जैसे अचार भी है जो बीहड़ में मिलता है, लोकली फोराज्ड सब्जियां होंगी, मीट होगा, सीजनल होगा। हाँ, क्योंकि मतलब जब भी उनको अगर मतलब शहर में सिटी में जाना पड़ता था, फिर वो मेकअप एंड छुप छुप के जाना पड़ता था, सो इट इज मच ईजियर के use whatever is there. Is a wheat, which जो wheat के साथ grow करता है, तो it's easy to उसको yogurt में use कर लिया, yogurt because then you can store it longer. बहुत ही शानदार खाना, और कई वैरायटीज के आप फूड सर्व करते हैं, ये खास आज हमारे लिए बनाया गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह, तो बहुत इंटरेस्टिंग है राम, हमें थोड़ी मेला कोठी की हिस्ट्री के बारे में बताइए और आपका कनेक्शन इसके साथ। सो दिस इज आवर एंसेस्ट्रल प्लेस, मेला कोठी इन इट्स फर्स्ट अवतार यूज्ड टू बी an office. So during the zamindari times, this was the treasury and the office of the zamindar of Jarar, my great grandfather, and before that. Acha. So this building behind us, this is more than 150 years old. Mm. And right behind us are the stables, which were attached to the main house or the office. Then of course mela kothi naam pada kyunki jo hai is pure estate mein jo hai saal mein ek baar ek janwaron ka bahut bada mela lagta tha, jahan bailon ki trading hoti thi. Acha. So this jo pashu market hai UP mein kafi popular hai, aajkal bhi UP mein kafi mele lagte hain jahan par janwaron ko kharida becha jata hai. That's right. So Jarar ka jo mela tha wo kafi bada, matlab Uttar Pradesh ke ek do top melon mein माना जाता था। अच्छा, very interesting। और वो इस property के आसपास इसी पे लगता था, तो यहाँ पे मेला कोठी used to be at the center of it, and पूरा यहाँ तो invitation जाती थी, मतलब सारे cattle owners को
आ बैल मेरा जरार मैं तेरा खाना ले लूंगा अगर तू ऐसे जोक्स बनाएगा तो माफ कीजिएगा आज थोड़ा बथुआ ज्यादा खा लिया उन्होंने इसकी इनकी कथुए में प्रॉब्लम हो रही है तो आपने इसको कन्वर्ट करने का कैसे सोचा आपने हम लोग वी केम बैक इन 1999 एंड then got interested in bird watching wildlife photography right and slowly I mean it was never like a business plan right and guests started coming our way and we've been now 21 years देखिए जी मैं अपनी तरफ से बात करता हूँ मुझे भी कई साल हो गए यहाँ पर आते हुए मेरे लिए ये एक ओएसिस है जब भी मैं इस तरफ से निकलता हूँ और मैं आपके पास आता हूँ तो बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल खूब सारा प्यार बहुत अच्छा खाना और चंबल सफारी नदी के ऊपर घूमना वाइल्ड लाइफ देखना यार ये चने का साग क्यों बोलते हैं इसको इसमें चने है क्या चने की पत्ती से बनता है वो चने की पत्ती से बना हुआ साग हाउ इंटरेस्टिंग है अच्छा कैन आई प्लीज आस्क यू क्विक क्वेश्चन आल्सो लाइक आपके पास जब गेस्ट रहने आते हैं आपको हाउ मेनी रूम्स डू हैव कितने गेस्ट आप अकोमोडेट कर सकते हैं इजीएस्ट वे के बुकिंग करने वर्ड हाउ डू वी फाइंड यू Easiest way is online. You send us an email, chambalsafari.com, and we have only 14 rooms spread over 35 acres of grounds. Bus. So yeah, and we're quite happy with that because it's just the right number, so we can enjoy the everyone's company and also not feel too taxed by it. Fabulous. सब लोग अपनी अपनी जगह आराम से रह सकते हैं. हाँ, दूर दूर. Wow. I would just like to add, so this 35 acres is what we have rewilded. Yeah. So this was completely barren land when we started. We inherited 48 trees and now we have a few thousand. और आपके यहाँ पे एक मेरे को याद है एक बहुत खास उल्लू बैठा करता था कई साल ब्राउन हॉक ऑल तो ब्राउन हॉक ऑल आता है अभी भी हर साल आता है इधर ये प्रॉपर्टी में मतलब बड़े सालों से दो उल्लू आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे तो ब्राउन हॉक ऑल की फोटो अगर आपको चाहिए तो चंबल सफारी लॉज में आ जाइए क्योंकि वो यहीं बैठा मिलेगा आपको फरवरी एंड से पहले यहीं कहीं पे आपने कोई गंदे जोक्स मारने हैं एंड में नहीं मैं गंदे जोक्स नहीं मारता मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ बड़ी सुंदर जगह बनाई है आपने यहाँ पे एंड देन विद दिस एक्सेस की जो आपने आज अर्लियर जो सफारी की थी मतलब इतनी शांति मिली है अब तारों के नीचे हम बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं खराब मुहावरे सुना रहे हैं तो एज वी से इन सोफिस्टिकेटेड सर्कल्स इससे अच्छा क्या हो गया वेरी गुड गुड पॉइंट तो अनु जी यू आर हैप्पी ओवर हियर यू ऑब्वियसली डोंट बिलोंग टू यूपी आप बाहर से आए हैं मैं तो पंजाब से हूँ बट आई हैव अडैप्टेड एंड इट्स बीन वंडरफुल टू बी ऑनेस्ट मतलब तो शहर से दूर इतनी शांति माहौल में दिल लग जाता है बिल्कुल आप जैसे इंटरेस्टिंग लोग जो आ जाते हैं चलिए इसी अच्छे नोट पे टेटी का अचार थोड़ा और खाते हैं और आप देखते रहिए #RoadTrippin with R&M and History TV 18 Season 3 और आपको ऐसी चीजें मिलती रहेंगी